देखिए, दुनिया में आज ये फैशन बन गया है। या भारत में ये फैशन बन गया है कि अमेरिका के तट से जो भी आता है वो महत्वपूर्ण ही होगा। ठीक है, योग भी आज इस देश में इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि यह अमेरिकी तट से आया है। यह हजारों साल से हमेशा यहीं रहा है, यह मायने नहीं रखता। बहुत लोगों को लगता है कि योग को मैडोना ने खोजा था। मैं लोगों के ग्रुप से बात कर रहा था और मैं बस उन्हें कुछ बता रहा था। और उदाहरण के लिए मैंने कहा, देखिए आज केजी के बच्चे को भी पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर के लिए खराब है ना? पर कोई बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड पैक करके कहता है यही असली चीज है। अगर ठीक से मार्केटिंग करके आपको एक खास तरह से बेची जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड भी चलेगी। सो दे स्टार्टेड सेइंग live in the moment, live in the moment. You do one thing, live somewhere else and show it to me. तो उन्होंने कहना शुरू किया, इस पल में जियो, इस पल में जियो। आप एक काम करें, कहीं और जीकर मुझे दिखाएं। क्या आप कहीं और जी सकते हैं? नहीं, लोग आपको शिक्षा दे रहे हैं, आपको देखना चाहिए कि इस शिक्षा का आधार क्या है। कोई कहता है इस पल में जियो, ठीक है, आप कहीं और जीकर मुझे दिखाएं कि इस पल में कैसे ना जिए। क्या ये संभव है? तो ऐसी शिक्षा क्यों? ओह, धरती पर ज्यादातर लोग इस शिक्षा को ऐसे समझना शुरू कर रहे हैं कि आप अतीत और भविष्य के बारे में ना सोचें। अगर आप अपने अतीत या भविष्य के बारे में ना सोचें तो जीवन आपको सबक सिखाएगा। इफ यू डू नॉट थिंक अबाउट योर फ्यूचर और रिमेंबर द पास्ट, विल लाइफ टीच यू अ वेरी बैड लेसन और नो? It will. अगर आप अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते या अतीत को याद नहीं रखते, जीवन आपको एक बहुत बुरा सबक सिखाएगा या नहीं? ये सिखाएगा। अच्छा होगा आप अपने भविष्य के बारे में सोचें। इस दिमाग को काबिलियत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए लाखों साल लगे। अब लोगों को इसे संभालना नहीं आता। अब वो कह रहे हैं इसे इस्तेमाल मत करो, बंद कर दो, अतीत के बारे में ना सोचो, भविष्य के बारे में ना सोचो। आदमी के दिमाग की खूबसूरती है कि अगर आप चाहें तो लाखों साल पीछे देख सकते हैं और लाखों साल आगे देख सकते हैं, है ना? हाथियों की याददाश्त बड़ी अच्छी मानी जाती है। वो वही चीजें याद रखेंगे जिनसे उनके जीवन पर फर्क पड़ा हो। हम वैसे नहीं हैं, हम उन चीजों को याद रख सकते हैं जिनसे किसी के जीवन पर फर्क पड़ा हो या ना पड़ा हो, हाँ या ना? तो हमारा मूल अंतर हमारे और दूसरे जीवों के बीच में ये है कि हम कल की कल्पना कर सकते हैं और हम अतीत को याद कर सकते हैं। तो अगर इस पल को थाम लो का मतलब है कि आप अतीत और भविष्य के बारे में ना सोचें, तो वो एक कीड़ा मकोड़ा बनने के लिए कह रहे हैं। इस पल को थाम लो, वो सब ये कर रहे हैं। क्या वो ये नहीं कर रहे? कीड़े मकौड़े, जानवर, पक्षी, क्या वो इस पल में नहीं रह रहे? पकड़ रहे हैं पूरी तरह, हर जीवन कर रहा है। आप भी, बात बस ये है कि आपके पास बुद्धि है कि आप इस जीवन में रहकर भी थोड़ा इधर उधर उड़ सकते हैं। ये सौभाग्य है, ये आजादी आपके पास है। आप उसे छोड़ देना चाहते हैं बस इसलिए क्योंकि आप उसे संभालना नहीं जानते हैं। बस क्योंकि आपको अपनी बुद्धिमता संभालनी नहीं आती, आप इसे नष्ट करना चाहते हैं। दरअसल कुछ दुर्भाग्य से ये एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक समाज से आ रही है, उनके एक हिस्से से। वो कह रहे हैं जब बच्चा पैदा होता है, अगर आप अपने दिमाग का एक हिस्सा हटा दें, सारे अपराध खत्म हो जाएंगे। दुनिया में कोई भी अपराधी नहीं होगा, सभी शांतिपूर्ण और खुश होंगे। ये अनर्थकारी है। अगर आप पूरा दिमाग हटा दें तो सभी शानदार होंगे, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, उन्हें कभी कोई परेशानी या तनाव या कुछ और नहीं होगा। खुश, आप उस तरह की खुशी नहीं चाहते हैं, है ना? आप उस तरह की खुशी नहीं चाहते हैं
तो अगर आप मर जाएं, आप वाकई शांतिपूर्ण हो जाएंगे, इतनी सब परेशानी क्यों? क्यों अपनी बुद्धिमता को छोड़ना? अगर आप अपने सर में गोली मार लें, आप शांतिपूर्ण हो जाएंगे और शायद दुनिया ही शांतिपूर्ण हो जाएगी। तो आइए इसे समझते हैं कि ये सब यहां वहां से उठाई हुई आर्थिक कारणों से दुनिया को दी गई चीजें हैं। आप इस पल में कैसे नहीं रह सकते हैं? आपको शिक्षा की क्या जरूरत है? इस पल में रहो, मुझे बताइए। अपने दिमाग को संभालने के लिए आपको तरीकों की जरूरत है। आपको जीवन के बारे में शिक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जीवन हैं। अगर आप जीवन नहीं हैं, तो मुझे आपको बताना होगा कि आप कैसे हो। क्या आप जीवन हैं? आप जीवन हैं या नहीं? आप जीवन हैं, है ना? जब आप जीवन हैं, तो मैं आपको क्यों बताऊं जीवन क्या है? बस तरीके चाहिए ताकि आप इस जीवन की उच्चतम संभावना तक पहुंच सकें। आपको इसे जीवन होना नहीं सिखाना होगा, क्योंकि जीवन इस पल में रहें या इस पल को थाम लें का वास्तव में मतलब है जीवित रहना, है ना? तो आप सोचते हैं आपकी मानसिक गतिविधि, आपकी बुद्धि की क्षमता और काबिलियत आपको जीने नहीं दे रही है। नहीं, यह आपकी जीवंतता का आधार है। ये कई तरीकों से आपकी जीवंतता का ताज है। बहुत साधारण रूप से जीवन आज इस तरह के जीवन तक विकसित हुआ है, और आपके पास अब जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, जिसे आप सभी तरह की बातें सोचते हैं, यही इस धरती पर जीवन का ताज है, है ना? हाँ या ना? ये जीवन का ताज है, और आप इसे छोड़ देना चाहते हैं क्योंकि आप इसे संभालना नहीं जानते, या ये ठीक से टाइट नहीं बैठ रहा, या बहुत ज़्यादा टाइट है। ऐसा मत कीजिए। अगर आप जीना चाहते हैं, जो कि जीवन की एकमात्र इच्छा है, ये जीना चाहता है पूरी क्षमता से। जीना, अगर मैं कहूं, आपको पता है, कुछ समय पहले मैंने एक नोट लिखकर कहा, ईशा योग का मतलब जीना, पूरी तरह जीना। तो लोग सोचते हैं, ओह, मुझे सप्ताह के सातों दिन पार्टी करनी चाहिए। ना ना ना, अपने आसपास आप जो करते हैं वो जीवन नहीं है। वो जीवन है जो यहां होता है, है ना? आपके अंदर जो होता है वो जीवन है, क्या ऐसा नहीं है? आपके आसपास जो होता है बस जीवन का वातावरण है, जीवन नहीं। जीवन ये है, है ना? इसका पूरी तरह पता लगाने के लिए, पूरी गहराई और विस्तार में, अगर आप इसे इसके सभी आयामों में जानते हैं, तो आप देखेंगे कि यहां बस ऐसे ही बैठना सबसे सुंदर चीज है जो आप कर सकते हैं। आप जो करते हैं या नहीं करते हैं, आपकी चॉइस है। हम एक ही कमरे में बैठे हैं, एक ही हवा में सांस ले रहे हैं, हम एक ही खाना खाएंगे, पर जिस तरह मैं इस पल में अपने भीतर हूं, अगर आप मुझे पूरी दुनिया भेजें, तो भी मैं ये सौदा नहीं करूंगा। अगर आप बदले में मुझे पूरी दुनिया भी दें, तो मैं ये सौदा नहीं करूंगा, क्योंकि ये उससे बड़ा है और हर आदमी ये कर सकता है। जब बाहरी स्थितियों की बात आती है, हम सबकी काबिलियत अलग है। जब भीतरी आयामों की बात आती है, हम सबकी काबिलियत एक है। ये नहीं हुआ है बस इसलिए कि आपने उस दिशा में कभी ध्यान नहीं दिया, बस यही वजह है, ना कि इसलिए कि आप कम काबिल हैं।